आलू के फसल में लगने वाला नशी जीवों खरपतवारों कीट व रोगों से लगभग 40 से 45 फीसदी की हानि होती है। कभी कभी यह हानि 100% होता है। आलू की फसल खेती के लिए आवश्यक है समय समय से पछेती झुलसा रोग का प्रबंध किया जाए। यह रोग फाइटोपथोरा इन्फेस्टो नामक कवक के कारण फैलता है। आलू का पछेती अंगमारी रोग बेहद विनाशकारी है। आयरलैंड का भयंकर अकाल जो साल 1945 में पड़ा था, इसी रोग के द्वारा आलू की पूरी फसल तबाह हो गया था। इसको लेकर यह बीमारी से बचाव को लेकर पूसा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विभाग के प्रोफेसर सह मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि जब तक आलू के खेत में इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, तब तक मौकोजेब युक्त फफूदनाशक 0.2% की दर से यानी 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे यह बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। आज आपके साथ मैं आलू में लगने वाली एक बहुत ही घातक बीमारी के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इस बीमारी का नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको हिंदी में पछेती झुलसा कहते हैं। यह एक फफूंद जनित बीमारी है और इस बीमारी का जो रोग कारक है उसको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कहते हैं। यह बीमारी जो है आलू की सबसे घातक बीमारी है और जिस किसान ने जो है इस बीमारी को जो है सफलतापूर्वक प्रबंधित कर लिया, वही जो है किसान जो है आलू से अधिकतम लाभ ले सकता है। मैं अक्सर जो है अपने सारे लेख के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा ये बताता रहता हूं कि आप इस बीमारी के लग जाने के बाद जो है प्रबंधन नहीं कर सकते हैं। इस बीमारी के प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि आप जो है इस बीमारी के लगने के पहले जो है सारी तैयारी करके रखें। यह बीमारी को कैसे पहचानेंगे? इस बीमारी में होता क्या है कि पत्तियों पे गहरे चॉकलेटी रंग के धब्बे बनते हैं और जब अनुकूल वातावरण मिलता है, जब हम अनुकूल वातावरण की बात कह रहे हैं तो 15 डिग्री से लेके 22 डिग्री के मध्य का जो ताप क्रम होता है इस बीमारी के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। और इसके साथ साथ जो है आसमान में बादल छाए हों और 90% से अधिक जो है ह्यूमिडिटी हो, यह इस बीमारी के लिए बहुत ही जो है अनुकूल है। यदि ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो इस बीमारी को जो है ये देखा जाता है। इस समय का जो वातावरण है, इस समय वातावरण में जो है जो तापक्रम है वो 15 से 20 डिग्री के आसपास है, 90% से ज्यादा ह्यूमिडिटी है, आसमान में जो है बादल छाए हुए हैं, तो इस समय जो है का जो वातावरण है इसमें जो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का आने की पूरी संभावना है। तो आप अपने खेत को जो है निश्चित तौर पर विजिट करते रहें। मैं ये आपको ये यहाँ पे सलाह देना चाह रहा हूं कि जब तक इस रोग के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं तब तक तो आप मैकोजेब नामक जो दवा है उसकी 2-2.5 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल के यदि छिड़काव करते रहे होंगे तो एक बार और पुनः कर दीजिए। उससे क्या होगा कि यह रोग नहीं लगेगा, लेकिन जहां पे ये बीमारी आ गई है, जहां पर इस रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, अब जो है मैकोजेब नामक जो दवा है उसके छिड़काव करने से कोई फायदा नहीं है, अब आपको वो लाभ नहीं मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, अब मैकोजेब की जगह पे आपको अब वो फफूंदनाशक लेना है जिसमें मेटालैक्सिल और मैकोजेब ये दोनों मिला हो। इसकी 2.5 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल के जो है 7 दिन के अंतराल पे 2 छिड़काव यदि कर देते हैं तो आप जो है अपने जो है इस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो से अपनी फसल को बचा पाएंगे। और जब आप अपनी फसल को बचा लेंगे तभी आपको जो है इस जो आलू की फसल जो है आपके लिए लाभकारी होगी और अधिक से अधिक जो है लाभ उठाएंगे। अदरवाइज अन्यथा होगा क्या कि इस रोग के लक्षण दिखाई देने में अब पूरी की पूरी फसल के बर्बाद होने में जो है 3 से 4 दिन बहुत काफी है। जैसे ही इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं और तब आप तैयारी करेंगे, तब आप जो है तैयारी करना शुरू करेंगे कि दवा को लाना है, छिड़काव करना है,
और तब आप करेंगे तब तक बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए जो है जहां कहीं पे भी आपको इसके लक्षण दिखते हैं तत्काल बिना किसी देर किए जो है आपको जो है ये जो हमने अभी बताया कि मैंकोजेब और मेटालिक्सिल मिक्स जो दवाएं जो है मार्केट में जो है विभिन्न नामों से आती हैं, जिस किसी भी नाम से आती हो कोई फर्क नहीं है, आप दवा को लीजिए और तत्काल छिड़काव करिए, तभी आप अपने फसल को बचा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।